फैमिली कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने टॉप 5 फेवरेट फ्रेग्रेंसेस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसको बहुत बचा बचा के यूज़ करती हूँ कंजूसी की तरह। आप लोगों से शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि कौन कौन सी फ्रेग्रेंस है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले है ये वाइट डायमंड परफ्यूम, इसका ब्रांड है एलिजाबेथ टेलर और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग है। ये बहुत ही टॉल बॉटल है, स्लिम सी टॉल सी बॉटल है और जिसके जो हेड है उसके ऊपर डायमंडीज लगे हुए हैं। इसका कैप गुम हो गया है तो इसलिए मैंने इस पर ये लगा दिया है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है, थोड़ी फ्लावरी टाइप की है, बहुत सारे फ्लावर्स का मिक्सचर होता है, उस टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस है। 100 ml की बॉटल है, ये है नाम इसका वाइट डायमंड। ये मेरी मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है तो मैं इसको बहुत बचा बचा के यूज़ करती हूँ। ये मेरी बहन ने मुझे भेजा था तो ये आई गेस थर्ड बॉटल है जो उससे भेजी है, तो ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। तो चलते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस की तरफ। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है ब्रिलियंट वाइट डायमंड। ये वाइट डायमंड का ही दूसरा वेरिएंट है और इसका जो ये भी एलिजाबेथ टेलर का है, इसी का दूसरी फ्रेग्रेंस है। इसके इसका कैप इस तरीके से है और इसके पे भी डायमंडीज लगे हुए हैं और इसकी भी बॉटल टॉल सी और स्लिम सी है। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो जैस्मीन और बहुत ही इसकी मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अमेजिंग और आउट क्लास फ्रेग्रेंस है इसकी और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। बहुत ही अमेजिंग सी फ्रेग्रेंस है, जैस्मीन और वाइट रोजेस की जैसी। थर्ड फ्रेग्रेंस है ये बॉडी बर्बरी। बॉडी बर्बरी मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट परफ्यूम है और इसको भी मैं बहुत कंजूसी की तरह यूज़ करती हूँ। इसकी भी बहुत ज़्यादा टॉल बॉटल है, 100 ml का परफ्यूम है ये और इसका कैप में भी यूँ डिज़ाइनिंग हुई भी है, अच्छा सा डायमंड स्टाइल का इसका कैप है। और इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो ये थोड़ी एम्बर वुड टाइप की है फ्रेग्रेंस और सैंडल वुड इस टाइप की फ्रेग्रेंस है इसकी। बॉडी फ्रेग्रेंस है इसकी और लॉन्ग लास्टिंग है बहुत ज़्यादा, इसको भी मैं बहुत ज़्यादा कंजूसी की तरह यूज़ करती हूँ। ये मुझे गिफ्ट मिला था और ये जो मेरे सारे मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो ये भी बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम है। फोर्थ परफ्यूम है ये एडिडास का मूव्स। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो है थोड़ी सी सिट्रस टाइप की और अच्छी फ्रेग्रेंस है, लॉन्ग लास्टिंग भी है क्योंकि जो भी ब्रांडेड परफ्यूम्स होते हैं वो मोस्टली लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स होते हैं, उनकी लास्टिंग अच्छी होती है। और ये भी बहुत अच्छा है, इसका एक छोटा सा भी परफ्यूम था एक बॉक्स में तो वो छोटा वाला परफ्यूम ख़त्म हो गया है तो ये बचा है। ये 50 ml परफ्यूम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है वर्दा ब्रांड का परफ्यूम ला फ्लोर और इसकी भी ये 100 ml है। इसकी बॉटल बहुत क्यूट सी है, तो कलर भी मर्जेंटा पर्पल टाइप का कलर है इसका, हो सकता है आपको शेड आ रहा हो, इस तरीके का इसका कलर है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। इसके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं फ्रेग्रेंस के, थोड़ी सी फ्लावर वाली और प्लस सिट्रस मिक्सचर है इसका और ये भी अच्छी लास्टिंग देता है परफ्यूम और लोकल ब्रांड्स में जो है ये बहुत अच्छा परफ्यूम। तो ये थे मेरे टॉप 5 एक्सपेंसिव परफ्यूम्स और फेवरेट परफ्यूम्स जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और मैं इनको बहुत ही बचा बचा के यूज़ करती हूँ कि ये बहुत जल्दी से ख़त्म ना हो जाए। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है जो आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्टेंट के साथ, जब तक के लिए देखिए अल्लाह हाफिज़। बाय।